साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने मथुरा समुदाय के आध्यात्मिक गुरु को श्रद्धांजलि दी। ममता बनर्जी का भाजपा पर निशाना, कहा जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए खुद संसद की कार्रवाई को रोक रही। रिटायर्ड जज पर बयान देकर फंसे किरण रिजिजू, कांग्रेस ने कानून मंत्री को बताया डाकू। ईरानी का राहुल गांधी पर तंज, बोली राहुल जी महान इसलिए हैं क्योंकि महाभारत में जीएसटी सिर्फ वही ढूंढ सकते हैं। नोबेल विजेता अमर्त्य सेन को विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने फिर दिया नोटिस। विश्व भारती ने अमर्त्य सेन को घर खाली करने को कहा। चैत्र नवरात्र में वाराणसी को करीब 1800 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी, रोपवे का शिलान्यास करेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल परवार, बोले भाजपा से नहीं भारत से माफी मांगे राहुल गांधी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले देश को तोड़ने वालों की जगह जेल में। अखिलेश यादव ने भाजपा पर किया कड़ा प्रहार, बोले भाजपा को जो हरा सकता है उनके खिलाफ सीबीआई ईडी की छापेमारी चल रही है। मोहन भागवत के कार्यक्रम में मंत्री के सामने रोई महिला, बोली मेरे पति आरएसएस थे, पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या हुई, सुनवाई नहीं हो रही। ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय हाई कमीशन से तिरंगा उतारा, तोड़फोड़ की अमृतपाल सिंह का पोस्टर लिए थे। इमरान की तरह ट्रंप ने भी छिपाए फॉरेन गिफ्ट से 117 तोहफे की जानकारी नहीं दी। इमरान खान की पार्टी पर बैंक का खतरा, पूर्व पीएम पर आतंकवाद फैलाने का केस दर्ज, बुधवार को मीनारे पाकिस्तान पर रैली करेंगे। बांग्लादेश में बड़ा सड़क हादसा, 47 यात्रियों को लेकर जा रही थी बस खाई में गिरी, 17 लोगों की मौत, 30 घायल। ब्रिटेन में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का परीक्षण अगले महीने, खतरे की आशंका पर यूजर्स के मोबाइल पर अगली आएगी चेतावनी। भारत के तीनों मेंस रेस रोवर 2024 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई। वनडे में भारत की सबसे बुरी हार, ऑस्ट्रेलिया ने 234 बॉल पर 10 विकेट से हराया। मिचेल स्टार्क ने भारत पर बरपाया कहर, पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी और ब्रीटली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। सूर्य कुमार यादव लगातार दूसरी बार गोल्डन डक पर हुए आउट, यूवी द्रविड़, भज्जी और गांगुली के लिस्ट में हुए शामिल। चेन्नई सुपर किंग्स ने काइल जेनसन के रिप्लेसमेंट का ऐलान किया। एनटीआर के साथ जानवी कपूर करेंगे टॉलीवुड डेब्यू, 23 मार्च को हैदराबाद में मूर्ति पूजा के बाद शुरू होगी शूटिंग। विराट की बायोपिक करने वाले हैं रामचरण, कहा मौका मिला तो जरूर उनका किरदार प्ले करूंगा। डीजे अध्यक्ष उर्फ अजय कुमार की लाश मिली भुवनेश्वर स्थित घर में, संदिग्ध हालत में मिली बॉडी, घर वालों का आरोप गर्लफ्रेंड ब्लैकमेल कर रही थी।
प्रभुदेवा ने दिया रामचरण को सरप्राइज। फिल्म आरसी 15 के सेट पर पूरी क्रू के साथ नाटू नाटू पर थिरके। दिशा सालियान के एक्स बॉयफ्रेंड रोहन करेंगे कश्मीर में शादी, को स्टार सीन दास से ऑन स्क्रीन हुई मुलाकात। मिनट की 25 बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।